हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका RAC शॉर्ट नोट सीरीज के पार्ट 3 में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त, शॉर्ट नोट्स कंपेनियन। सो लेट्स बिगिन। आज का हमारा टॉपिक है रेफ्रिजरेंट्स एंड रेफ्रिजरेटिंग इक्विपमेंट्स। RAC इक्विपमेंट्स में जो वर्किंग सब्सटेंस यूज होता है उसे हम कहते हैं रेफ्रिजरेंट। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट एंड सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है वो प्रिंसिपल वर्किंग फ्लूइड की तरह काम करता है और जो सेकेंडरी है वो बस एज अ हीट ट्रांसफर मीडियम काम करता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट का काम है मेन प्राइमरी रेफ्रिजरेंट से हीट ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह जहाँ रिक्वायर्ड एप्लीकेशन है। सो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट अंडरगो फेज चेंज ड्यूरिंग इट्स वर्किंग एंड सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट डो नॉट अंडरगो एनी फेज चेंज ड्यूरिंग हीट ट्रांसपोर्ट। So some of the examples of primary refrigerants are R11, R12, R22, R134 and NH3, and for secondary H2O brines, also called as antifreezers. Next we will see how refrigerants are designated. This is a very important topic from objective point of view. So in this, M stands for number of carbon atoms, N for hydrogen, P for fluorine, Q for chlorine atoms. So first is single bond refrigerant, which is also called as saturated hydrocarbon. So designation can be written as Rm-1 N+1 P, and relation between M and PQ are N plus P plus Q is equal to 2M+2. So for example, if R11 is the refrigerant, then using above formula you can write it as CFCl3. ऐसे ही हम R12, R22 और R134 का कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें फॉर्मूला पता हो तो हम डेजिग्नेशन निकाल सकते हैं, और डेजिग्नेशन पता हो तो हम उसका केमिकल फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप देख सकते हो कि क्लोरीन की मात्रा डिक्रीज हो रही है जैसे हम R11 से R134 तक आ रहे हैं। तो R134 जो है उसका केमिकल फॉर्मूला है C2H2F4, मतलब उसमें क्लोरीन एटम एब्सेंट है, और इसलिए हम उसे इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट भी कहते हैं। क्योंकि आपको पता होगा अर्थ के एटमोस्फेयर में जो ओजोन लेयर है वो हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है, बट ये जो क्लोरीन एटम है ये ओजोन लेयर पे अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय करता है, और उसके कारण हार्मफुल रेडिएशन जो है वो अर्थ के एटमोस्फियर में एंटर करता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज ओजोन डिप्लीशन। नेक्स्ट इज डबल बॉन्ड रेफ्रिजरेंट विच इज अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दिस वन इज R1M-1 N+1 P, एंड देन N+P+Q इज इक्वल टू ओनली 2M, एंड एग्जाम्पल फॉर दिस इज R1150 विच इज C2H4। नेक्स्ट इज ट्रिपल बॉन्ड रेफ्रिजरेंट। फॉर दिस R1M-1 N+1 P, बट N+P+Q इज इक्वल टू 2M-2। फोर्थ इज इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट, एंड दे आर वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। दीज आर कॉल्ड एज 700 सीरीज, एंड विच कैन बी रिटन एज R700+ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रेफ्रिजरेंट। एंड एग्जाम्पल फॉर दिस इज फर्स्ट वन इज NH3 R700+17, दैट इज R717, लाइकवाइज CO2 R744 एंड H2O R718। नेक्स्ट वन इज एजियोट्रोप रेफ्रिजरेंट्स, which are also called as 500 series, and example for this is R502. But what is azeotropic refrigerant? It is a mixture of two or more components that boils at same temperature. I hope these videos are useful for you. Next is selection criteria for refrigerants. So first criteria is critical temperature, which should be high. Second is specific heat, which should be high in vapor form and low in liquid form. Next is thermal conductivity, which should be high. Then latent heat of vaporization should also be high. Freezing point should be as low as possible. Refrigerant should not be toxic. It should not be inflammable. And it should be cost effective. That cost should be low. Then its viscosity should be low. And refrigerant should have some leak detection properties so that it could be easily detectable. नेक्स्ट वी विल सी सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रेफ्रिजरेंट्स एंड इट्स एप्लीकेशन। फर्स्ट इज NH3। NH3 का लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो सबसे ज्यादा है, इसका मतलब वी कैन गेट मैक्सिमम रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। बट इट इज फ्लेमेबल एज वेल एज टॉक्सिक रेफ्रिजरेंट। इट इज जनरली यूज इन कोल्ड स्टोरेज प्लांट। नेक्स्ट इज R11, ये सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग प्लांट्स में यूज होता है। थर्ड है R12, विच इज यूज इन डोमेस्टिक वाटर कूलर रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट इज R22, विच इज यूज इन
विंडो एसी ब्राइन्स जो है वो मिल्क चिलिंग प्लांट में यूज होता है, और सॉलिड CO2 दैट इज ड्राई आइस यूज फॉर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट फ्रीजिंग ऑफ फूड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं लीक डिटेक्शन मेथड फॉर डिफरेंट रेफ्रिजरेंट्स। फर्स्ट इज फ्रियोन और हेलोकार्बन, मीन्स जिसमें क्लोरीन और क्लोरीन आइटम्स होते हैं वो। पहली मेथड है हेलाइट टॉर्च टेस्ट, जिसमें ब्लू टॉर्च ग्रीन कन्वर्ट हो जाता है अगर लीक हो तो। नेक्स्ट इज सो बबल टेस्ट, जिसमें बबल्स फॉर्मेशन होता है वो। NH3 के लिए यूज होती है सल्फर स्टिक मेथड, जिसमें अगर सल्फर स्टिक दिखाओ तो फ्यूम्स निकलते हैं। देन SO2, फॉर SO2 अमोनिया स्वाप टेस्ट, जिसमें वाइट स्मोक प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग लीक। नाउडेज इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर्स आर यूज्ड। नेक्स्ट वी विल सी व्हाट आर द रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स। अमोंग दिस फर्स्ट इज कॉम्प्रेसर। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कॉम्प्रेसर। फर्स्ट इज रोटरी स्क्रू कॉम्प्रेसर, सेकेंड इज रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर विथ हर्मेटिक सील विच इज यूज इन रेफ्रिजरेटर्स, एंड थर्ड इज रोटरी स्क्रॉल कॉम्प्रेसर। तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी ऑफ कॉम्प्रेसर इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, विच कैन बी रिटन एज 1+C - C × P2/P1 power 1/N, वेयर सी इज क्लियरेंस रेशो एंड एन इज पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स ऑफ कॉम्प्रेशन। इट कैन ऑल्सो भी रिटन एज MV/π/4 d² L / N/60 × K, वेयर K इज नंबर ऑफ सिलेंडर्स, V इज स्पेसिफिक वॉल्यूम एट एंट्री ऑफ कॉम्प्रेसर, एंड N इज स्पीड इन RPM। कॉम्प्रेसर शुड बी डिजाइन फॉर पीक आवर्स कंडीशन। नेक्स्ट इक्विपमेंट इज कंडेंसर, एंड यू नो इट इज यूज टू कंडेंस वेपर रेफ्रिजरेंट टू लिक्विड रेफ्रिजरेंट। सो फर्स्ट टाइप इज एयर कूल्ड कंडेंसर, विच इज यूज अप टू 3 TR। सेकेंड इज वॉटर कूल्ड कंडेंसर, विच हैज 3 types। फर्स्ट इज डबल ट्यूब कंडेंसर, विच इज यूज अप टू 10 TR। सेकेंड इज शेल एंड कॉइल up to 50 TR, and shell and tube type which is used up to 1000 TR. Third is evaporative cooling condenser. So before starting of operation of condenser, purging is required, which is removal of air from the condenser. Next is evaporators. First type is bare tube evaporator. Second is fin tube evaporator. You can see fins all over the tubes. Third is plate tube. Fourth is shell and tube evaporator, which is most widely used. Fifth is tube in tube, and sixth is shell and coil type evaporator. These 6 evaporators are generally used in refrigeration. Fourth equipment is very important, expansion devices. First is constant area type, example is capillary tube, which is mostly used in refrigerators, window AC and water cooler, and its diameter should always be less than 6 mm. Then these two are constant volume type. First is automatic expansion valve, and second is thermostatic expansion valve. So automatic expansion valve maintain constant pressure in evaporator irrespective of load, and thermostatic maintain constant degree of superheat in evaporator irrespective of load. Now we'll see some of the miscellaneous topics. So first is about Electrolux refrigerator. So first important point is pump is not used in this. NH3 is used as refrigerant, H2O is used as absorber, and H2 gas is used to reduce partial pressure of NH3 vapor. Next, we will see flash chamber. It is used to separate out vapor refrigerant from liquid refrigerant, and it sends vapor refrigerant to compressor and liquid refrigerant to evaporator. There is no change in COP, but evaporator size decreases due to use of flash chamber. So next topic is cascade refrigeration, in which 2 refrigeration systems are arranged in series to get lower cooling temperature. In addition to this, it has benefit of lowering the compressor work input and increasing the refrigerating effect during operation. So COP of this system is defined as COP of first into COP of second upon 1 + COP of 1 + COP of 2. Please remember this many times asked in exam. Lastly, we see adverse effect of weight compression in VCRS. Due to weight compression, refrigerating effect decreases, wear and tear of compressor surfaces occurs. It can also damage to the walls of compressor and refrigerant wash away the lubricant. So with this, we have completed short notes on RAC. You can support me by subscribing to my channel, and next topic will be on conduction heat transfer. Till then, keep studying, keep practicing, and happy studying.